हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज इस वीडियो में हम रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में एक इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे और एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है और चलिए ये वाला न्यूज़ देखते हैं जो कि बजट न्यूज़ है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री बजट वाले न्यूज़ में हम देख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर सेट टारगेट फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे फॉर एफ आई ट्वेंटी थ्री So, this year the plan is to construct 25,000 kilometers of road lines and coming to the allocation of uh, for ministry of road transport and highway has seen a 68 percent increase with 1,99,107 crore set aside for it in the union budget 2023 this is in line with massive target finance minister has set for expanding national highway network by 25,000 kilometers in 2022-23 so this year it a road construction is going and in टू बी वन ऑफ द ग्रोइंग कंट्री एंड टू अचीव द टारगेट ऑफ फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी रोड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैजन वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन और इसीलिए हम देख सकते हैं कि पिछले छह सात सालों से रोड डेवलपमेंट रोड बिल्डिंग में बहुत ही प्राइरिटी दिया गया है एंड द सेम थिंग हैज बीन सीन हियर एज वेल द हाइक ऑफ एट्टी वन थाउजेंड क्रोर्स फॉर द मिनिस्ट्री हैज बीन ऑलमोस्ट Entirely earmarked for investment in National Highway Authority of India, which has seen 133% increase from 57,000 crores last year budget to 134,000 crore. So this year. The ministry also said that government will also finalize its plan for expressway in 2022-23 under PM Gati Shakti program. So this is the engine of growth. तो ये ये न्यूज़ न्यूज़ हो गया ये के चलते हम जान सकते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन को प्रायोरिटी दिया गया है एंड द कंपनीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर आर डेफिनेटली गोइंग टू गेन एंड लेवरेज दिस अपॉर्चुनिटी सो हम देखेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो कि इस सिचुएशन को लेवरेज कर सकती है और उस कंपनी का नाम है अगरवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो अगरवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन इज प्राइमरली एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स जो कि बिटुमिन एंड बिटुमिनस प्रोडक्ट है जो कि हम जो जानते हैं कि टार जो ले करते हैं रोड पे एंड दैट इज अटोमिन प्रोडक्ट सो So, if you are constructing a road, you need bitumen product, and that is what Agarwal Industry Corporation is very strong in. And uh, along with that, it also has logistics for bitumen and uh, LPG gas, and also a very, very small portion of its uh, business also is in windmill production. So uh, let us quickly go and try and understand the company on call PPT from August 2022. तो अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के पास क्या है इसके पास बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है अराउंड 25 फाइव ईयर्स की एक्सपीरियंस है विथ सिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है सेवन सेल्स नेटवर्क है एंड इट हैज़ सेवन बल्क स्टोरेज टर्मिनल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उस उनके पास खुद के बल्क स्टोरेज टर्मिनल्स है खुद की सिक्स प्लस फ्लीट साइज है एंड फाइव लैक प्लस मेट्रिक टन ऑफ विटमिनस हैंडलिंग पर कैपेसिटी द कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप एज आई टोल्ड अगरवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन फंक्शंस एज अ एंसिलरी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेगमेंट बिकॉज ऑफ इट्स पावरफुल लॉजिस्टिक असेट उसके पास खुद की असेट्स uh, है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, है इसके लिए द कंपनी लाइक दिस आई विल ऑलवेज बी इन एडवांटेज दैन रेंटिंग समथिंग आउट फ्रॉम थर्ड पार्टी कस्टमर बिकॉज वो रेंट बढ़ेगी वो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा बट दिस गर्ल्स हैव देयर ओन असेट एंड वॉट वी कैन सी इज इन के पास लास्ट माइल कनेक्टिविटी कनेक्टिव इंडस्ट्रियल इन द प्राइवेट सेक्टर एंड बिटुमिन इज डेंस हाई विस्कस पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन दैट इज ऑप्टेंड एज रेसिड्यू डूरिंग डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड जब हम um, डिस्टिलेशन करते हैं जो जो टार बचता है वही है अगर हम इन स्पेसिफिक इनका एसेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो इनके पास मराइन लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि कैपेसिटी रखती है सिक्स लार्ज मराइन वेसल्स जो कि कैपेसिटी थर्टी एट मेट्रिक टनस की कैपेसिटी रखती है और इसके अलावा उनके पास फ्लीट ट्रांसपोर्ट है जो कि 650 प्लस फ्लीट साइज़ है एंड थ्री फिफ्टी प्लस ब्लिटबिन टैंकर एंड थ्री हंड्रेड प्लस एल पी जी टैंकर्स है और इनके पास उनके अलग से वर्कशॉप्स है टू मेंटेन दीज थिंग्स एंड स्टोरेज वडोदरा जीरा पोर्ट में है कारवार में है मुंबई में है मैंगलोर में है हल्दिया पोर्ट में है तो यहाँ पे उनका स्टोरेज होता है और मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी उनका है वडोदरा में है बेलगांव में है कोच्ची में है, है हैदराबाद में है गुवाहाटी में एंड uh, तलोजिया में है एंड uh, अगर इनका ग्रोथ देखेंगे पिछले कुछ सालों में तो रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम ट्वेंट थाउजेंड नाइन टेन जो कि इन टेन ट्वेल्व इयर्स इट हेज ग्रोन अपी टू परसेंट एंड दट इज अ वेरी वेरी बिग नंबर इनका रोड मैप भी देखेंगे तो इन ट्वेंटी ट्वेंटी दे सेटअप मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुवाहाटी स्टार्टेड ऑपरेशन इन मैंगलोर और 2021 में उन्होंने अचीव द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफ 900 प्लस क्रो एंड इन 2022 दे कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ सिक्स मरान वेजल्स सो जो मराइन वेजल्स है अभी उन्होंने ट्वेंटी में ही एक्वायर किया है एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम टू एक्सपांड देयर बिजनेस तो इनका बिजनेस क्यों एक्सपांड होगा उसके लिए मैं ऑलरेडी मैं आप इस साल के बजट का स्निपेट्स दिखा चुका हूँ यहीं पे और यहाँ पे भी वही मेंशन है जो कि बोलता है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड ऑफ अबाउट टू पॉइंट सिक्स लैक किलोमीटर एंड दिस इज वन सेक्टर जो ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हमारा लॉकडाउन चल रहा था बट डिस्पाइट पैंडमिक एंड लॉकडाउन इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड ट्वेल थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे पॉजिटिव थिंग तो ये कंपनी ग्रो करते ही रही कमिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो इनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है जो कि जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं इनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि 40 प्लस ईयर्स के एक्सपीरियंस रखते हैं एंड दीज गाइस हैव वेरी गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी अगर हम एफ आई एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू में देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है एट अ सी ए जी आर ऑफ अबाउंड फोर्टी पॉइंट वन सिक्स परसेंट विच इज अ वेरी गुड नंबर एबिटा मार्जिन है इनकी थर्टी सिक्स पॉइंट फोर एट परसेंट है एंड पैट भी फिफ्टी सेवन पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट पर ग्रोथ हुआ है दैट इज हाउ दे आर बींग एबल टू क्रिएट इमेन्स वेल्थ फॉर दर शेयर होल्डर्स जो कि एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है ट्वेंटी टू परसेंट है इट वॉज अराउंड नाइन एंड एट परसेंट

that that shows their uh, capability and their value agarham price to earning uh, uh the king, it has been around uh, on an average of 8.8 percent but इन्होंने uh, you know, एक्विजिशन किया है इन्होंने you know, अच्छी तरीके से एक्सपांड किया है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव इन कमिंग फ्यू टाइम देर इज़ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू सेल्स हम देख सकते हैं कि इन द जून एंड सप्टेम्बर क्वार्टर इनका सेल्स थोड़ा घट जाता है एंड दैट इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू द मानसून सीजन क्योंकि मानसून के टाइम पर ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई हम देख सकते हैं कि जून और सप्टेम्बर uh, में थोड़ा uh, कम होता है एंड इट विल अगेन पिकअप ड्यूरिंग दिसंबर

फ्यू कमिंग फ्यू क्वार्ट एंड अगर हम इन स्पेसिफिक इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो द लास्ट सिक्स मंथ्स इट इज इन द कंसॉलिडेटिंग इन दट सेम रेंज एंड इट कैन गिव अ ब्रेकआउट यहाँ पे देखेंगे देर इज अज बाइंग विच है चेंज हैंड हुआ है बट it has been consolidating at this level and it is definitely going to give a breakout in some time but again is quarter ke baad hum, uh, kuch results expect kar sakte hai. so my verdict on this company is this company is expected to grow in leaps and bounds in coming few time and I am positive about this company but again please uh, make your decision based on your own uh, financial experience and financial knowledge and your inputs from your financial advisor and uh, please note this is uh, not uh, a buying or selling recommendation.